पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पौश कॉलोनी के निवासी नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से पलायन करने को मजबूर हैं। पौश कॉलोनी के निवासियों ने आज नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नो रोड नो वोट का ऐलान किया। लगभग 2500 वोट की आबादी वाली पौश कॉलोनी में लोगों को आज तक सड़क मुहैया नहीं हुई। मजबूरन यहां के लोग अपने पैसे से सड़क का निर्माण कराकर आने जाने का काम करते हैं। गुस्साए लोगों ने आज कॉलोनी के गेट पर इकट्ठा होकर नगर निगम और एमडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया और विभागीय अधिकारियों को चेताया कि अगर जल्द ही मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आगामी चुनाव में वोट का शांतिपूर्वक बहिष्कार करेंगे। मैं इस कॉलोनी में 7 साल से रह रहा हूँ। जिस समय ये हमें प्लॉट बेचे गए थे तो बहुत अच्छी रोड, बहुत अच्छा पार्क, सब कुछ दिखा के बेचा गया था। बिल्डर यहाँ से निकल गया, ये कह के कि ये कॉलोनी हैंडओवर हो जाएगी आपकी नगर निगम को। 7 साल में ये हैंडओवर आज तक नहीं हो पाई है। दिवाली से एक रात पहले, इस दिवाली से इन्होंने सारी स्ट्रीट लाइटें काट दी, बहुत परेशान करा, पूरी दिवाली अंधेरे में बिताई। रोज़ यहाँ पे गलत लोग आते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं अंधेरे की फ़ायदा उठा के, यहाँ गलत काम होते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। मगर हमें यहाँ से मकान छोड़ के कहीं और पलायन करने की मजबूर हो चुके हैं यहाँ पे, अगर ये सरकार ने कुछ नहीं किया हमारे यहाँ तो। किसका विरोध किया है आपने और कहा था? हमने नगर निगम का विरोध किया है। हमने नगर निगम का विरोध किया है। नगर निगम से हम रेगुलरली मिल रहे हैं, यहाँ पे हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे पानी की टंकी नहीं है तब भी ये लोग हमसे वाटर टैक्स ले रहे हैं, और सुविधाओं के नाम पे ये कुछ नहीं दे रहे हम लोगों को। इस कॉलोनी में 2500 से 3000 लोग हैं, 500 फैमिलियां हैं यहाँ पे, 2200 वोट है। और आज हमने ये डिसाइड किया, वोट भी नहीं डाला जाएगा। हाँ, नो रोड नो वोट का हमारा नारा है, हम इस बार बहिष्कार करेंगे शांतिपूर्वक। प्रदर्शन कर रहे ये लोग किसी सरकारी विभाग से कुछ मांगने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सरकार के खजाने को भरना चाहते हैं और नगर निगम को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स देकर कॉलोनी में विकास कराना चाहते हैं। लेकिन सरकार की छवि को पलीता लगा रहे नगर निगम और एमडीए के अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहते। लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ के लोगों को सड़क और पानी की व्यवस्था नहीं मिल पाई, जबकि यहाँ के निवासी उन व्यवस्थाओं के बदले सरकार को टैक्स भी देना चाहते हैं। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद की पौश कॉलोनी टीडीआई सिटी का, जहाँ पर लगभग पिछले 15 वर्षों से लोग अपने आशियाने बनाकर यहाँ रह रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ के लोगों को पानी और सड़क तथा साफ सफाई जैसी सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई। लाख कोशिशों के बाद भी किसी ने इन लोगों की एक नहीं सुनी। यहां तक कि उच्च अधिकारियों से लेकर मंत्री, विधायक और महापौर तक अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। ये लोग निराश हो चुके हैं और अब यहां के लोग इस कॉलोनी से सिर्फ इसलिए पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण इस कॉलोनी को पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। गुस्साए आज सभी लोगों ने टीडीआई सिटी के गेट पर खड़े होकर नो रोड नो वोट के पोस्टर चस्पा कर दिए और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम के महापौर के खिलाफ हाय हाय करते हुए मांग की है कि यहां के लोगों से टैक्स वसूल करें और यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएं। यदि इन सभी मांगों को नहीं माना जाता है तो उनका कहना है कि आगामी 2022 के इलेक्शन में वो शांतिपूर्ण तरीके से वोट का बहिष्कार करेंगे। कॉलोनी बने हुए 10 साल से ऊपर हो गए, ना तो आज तक यहाँ कोई सुविधा है, ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद भी हम लोग इतने प्रयास कर चुके हैं, टीडीआई नगर निगम का हैंडओवर नहीं हो रही है। हम लोग सिटल कॉक की तरह इधर से उधर उछाले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। अब आप लोगों के माध्यम से आज हमने ये करा है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही तो हमें मजबूरी में ये करना पड़ा है, और चाहते हैं कि आगे आप लोगों के माध्यम से कुछ हमारी सुनवाई हो। गलत काम क्या है यहाँ? कोई एमडीए है नहीं, कुछ है नहीं, गेट पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, सब लड़के लड़की आते हैं अंदर आके बदमाशी करते हैं, पीते हैं अंदर कॉलोनी के अंदर आके, ये सब असुविधा है हम लोगों को। सब सभ्य परिवार अंदर रहते हैं कॉलोनी के अंदर। अभी भाई साहब ने ये क्या, अगर चाहे हमारे मांग पूरी नहीं होती तो यहां से हम कॉलोनी में क्या करते हैं?
नहीं बिल्कुल, हम लोग रोड ब्लॉक कर, हम लोग बिल्कुल सीरियस सोच रहे हैं कि अगर नहीं होती पूरी हमारे साल भर के अंदर तो हम यहाँ से पलायन करेंगे, कहीं और जाके रहेंगे। यहाँ से यहाँ पे करीब 500 परिवार रहते हैं भाई साहब, कोई कहीं किसी जनप्रतिनिधि जा रहा है कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग सब जगह जा चुके हैं, TDI के सब लोग कभी किसी के थ्रू कभी किसी के थ्रू सबसे वार्ता हो चुकी है, लेकिन सब आश्वासन देते हैं होता कुछ भी नहीं है। हम लोग महापौर जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, हमने पोर्टल पे कंप्लेंट करी CM साहब के, जन सुनवाई में सुनवाई कंप्लेंट करी हम लोगों ने, कमिश्नर साहब के गए, सब जगह दिए हमने एप्लीकेशन, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं कोई सुनवाई नहीं है किसी तरीके की। पब्लिक TV आपकी आवाज़।